Okay, so viewers, ब्रेकफास्ट कर लिया है. नाउ आई एम अबाउट टू सिट आउटसाइड एंड लुक एट द पीसफुल वाइब. ओके, सो नाश्ते का सीन कुछ ये है. मुझे एडमिट करना पड़ेगा स्कर्दू में जो शंग्रीला रिजॉर्ट है उससे काफ़ी बड़ा है इनका बफे. बीफ निहारी हो गई, चिकन कीमा, चने, आलू भुजिया, सॉसेजेस जिन्हें हम हॉट डॉग भी कहते हैं, एंड देन डोनट्स, कपकेक्स, प्लेन केक्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स. सो रात को चेक इन किया था हमने लक्ज़र ज़ुंज़ा में, क्योंकि इससे पहले बल्तीत फोर्ट विज़िट करना था. तो हम लोग आए स्कर्दू से, ऑलमोस्ट 3 बजे तक पहुँचे, 3-4 बजे तक फोर्ट में. वहाँ से फिर जब तक यहाँ पहुँचते हैं, तो क्योंकि ईगल नेस्ट में ऊपर हमने कॉफ़ी इन्जॉय की थी सनसेट, तो तब तक यहाँ पे शाम हो चुकी थी, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई कल. अब लक्ज़र ज़ुंज़ा आपको दिखाता हूँ, इट्स जस्ट अमेजिंग. आई जस्ट हैड अ ब्रेकफास्ट राइट नाउ, आई विल गो इनसाइड, आई विल शेयर विद यू. यू नो द परफेक्ट थिंग अबाउट इट इज आप वो सामने देख रहे हो, माउंटेन पीक्स. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो ये रक्कापोशी ही है. पर अताबाद लेक की खास बात ये है, सराउंडिंग्स में आपको सारी तरफ आपको चारों तरफ पहाड़ नज़र आएंगे, बीच में ये लेक है. और कुछ कहते क्या हैं, जो हमारा ड्राइवर भी है वो भी यहाँ से था, कि ये लेक पहले नहीं थी, बाद में एक साइड पे पहाड़ इसके आगे आ गया, तो वो पानी सारा जो आता था पीछे से वो इधर ही लाइक भरने लग गया या फिल होने लग गया, तो स्टॉक होने लग गया, तो इसको लेक की शेप एक मिल गई. एनीवे चलते हैं बंदर, लेट्स जस्ट गो इनसाइड. हाउ इट इज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? All right. That's the first look. और इनके पास ये सब कुछ है. आप बॉनफायर, बोटिंग, ऑल दीज सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग. मुझे भी अभी शीशा ट्राई करना है. That's the reception staff. ये एक अमेजिंग सा इन्होंने मिरर दिया. Look at that. And that you can take pictures. यहाँ पे आप बैठ सकते हो. I just enjoyed the breakfast. काफ़ी लंबा जोड़ा बुफे है इनका. बाकी पीपल आर सिटिंग ओवर देयर, तो उनकी मैं वीडियो नहीं बनाता. ओके, सर नाश्ते का सीन कुछ ये है. मुझे एडमिट करना पड़ेगा स्कर्दू में जो शंग्रीला रिजॉर्ट है उससे काफ़ी बड़ा है इनका बफे. बीफ निहारी हो गई, चिकन कीमा, चने, आलू भुजिया, सॉसेजेस जिन्हें हम हॉट डॉग भी कहते हैं, एंड देन डोनट्स, कपकेक्स, प्लेन केक्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, फ्रूट्स, हलवा. वाओ, ये मेरे लिए हेवन. बॉइल्ड एग्स, पोटैटो कटलेट्स, दिस इज समथिंग यूनिक. पूरी पराठा. वन थिंग आई एम गोना मिस,
But that's the table where I was sitting. Look at the door handle. Kafi unique hai na. रिसेप्शन एरिया के साथ ही ये सारा हॉल एक ही था. इससे बाहर निकलते ही इस साइड पे आ जाता है. यू नो अराउंड 1.5 ईयर पहले और उससे पहले तक ये सब इस तरह से नहीं दिखता था. इसके कुछ रूम्स थे सिर्फ. ये जो हॉल आपने पीछे देखा जिससे मैं अभी आया हूँ, ये एक्सपेंशन है इसकी. इसी तरह से मैं अब जिस पे चल रहा हूँ इसके नीचे रूम्स हैं और ये सारा सिटिंग एरिया इन्होंने बनाया. लक्सस उन्जा के मैं अभी आपको रूम भी दिखाता हूँ. हमारा डिलक्स था, उसके बाद डिलक्स प्लस में, लेकिन वी थॉट के बार बार तो रुकना नहीं है. सो we just upgraded it to junior seat. Pakistan zindabad. वहां से बोटिंग होती है जो कि बाद में हमने भी ट्राई करनी है. इन एरियाज में नेचर वाइज सुकून था, सब कुछ था. जिस चीज की कमी थी वो इस तरह के होटल्स थे. अब वेल ऑर्गेनाइज्ड होटल है, ठीक है, कॉस्टली है, लेकिन सो फार अच्छी चीज़ें हैं इसमें. स्टाफ भी अच्छा और वो आप देख रहे हो, मतलब ये लोग एक्सपेंड कर ही जा रहे हैं. अब मज़ीद लेफ्ट साइड पे देखें, वो लाइन में ये तकरीबन 6-7 रूम ऊपर हैं, फिर उससे नीचे भी हैं. So they keep on increasing the capacity. चलते हैं नीचे. Luxus Hunza. So far so good, हाँ. Peaceful सी vibe है. That's the side I came from. ये सारे इनके रूम्स. दैट साइड इज हेल्थ क्लब. और जिस साइड पे हेल्थ क्लब है उसी साइड पे रूम भी है. अच्छा, ये है इनका जस्ट डिलक्स रूम. और डिलक्स रूम का व्यू में भी सामने लेक आती है, लेकिन इनका जो है वो यहाँ पे आता है. और सामने जो है ये थोड़ा सा रूफ का एरिया आ जाता है जिसकी वजह से व्यू ब्लॉक हो जाता. इसके बाद इनके आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं इनके, इसके बाद इनके लिए आ जाते हैं जी डिलक्स प्लस. वो ये वाली लाइन है जो रूम का साइज है वो तो सेम है, डिलक्स और डिलक्स प्लस कोई इतना डिफरेंट नहीं है, लेकिन व्यू का डिफरेंस है. यहाँ पे आप बैठते हो और ये सामने बिल्कुल लेक है. अब मैं दिखाता हूँ आपको अपने वाला, बाद में मैं भी आऊँगा यहाँ पे हेल्थ क्लब में, क्योंकि मुझे जिम करना है. स्कर्दू में मुझे जिम नहीं मिला. हाँ, हाइकिंग की है, अच्छी खासी वॉक हुई है और फिर कुछ पुशअप्स वगैरह किए थे क्योंकि बॉडी वगैरह आपके ठीक रहे. 3 दिन हो चुके हैं प्रॉपर वर्कआउट नहीं मिला, आज करूंगा इंशाल्लाह. एक और चीज है, नीचे प्ले एरिया भी है, वो भी दिखाता हूँ आपको मैं इस साइड पे. यहाँ सारे रूम्स हैं, किसी और के रूम में लगाने लगा था की. डिजिटल की अब काफ़ी ना कॉमन हो चुकी है. मुझे नहीं समझ आ रही कि शंग्रीला वालों ने क्यों नहीं अभी तक की.